ज्यादा बातचीत के लिए बीकानेर से केके सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके, सबसे पहले तो बीकानेर से आज का अपडेट बता दीजिए कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा क्या है आज का। जी केके, बीकानेर में कोरोना जो रोगी है उनकी लगभग 37 की संख्या थी और 37 की जो संख्या है उनमें से ज्यादातर लोग हैं अब उनको सबको डिस्चार्ज किया जा चुका है, जिनमें अब दो ही लोग बचे हैं, यानी दो के बाद में बीकानेर कोरोना फ्री होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। हालांकि बीकानेर में आज भी पांच थाना क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, महा कर्फ्यू चल रहा है, लेकिन अब ये स्थिति है कि कोरोना फ्री होने की ओर बीकानेर जा रहा है। और जहां तक हम बात करें, अब जो हम अगर बात करें कि बीकानेर में भी जो कि रात को गृह मंत्रालय के जो आदेश हुए उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ कुछ व्यापारी और कुछ दुकानदार लोग भी मौजूद हैं। हम उन लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या क्या कहना है उनका। जी, आप क्या कहेंगे ये जो नया नीति जो आया है उसके लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने पहले कहा था कि जान है तो जान है, उसके बाद बोला जान भी चाहिए और जान भी चाहिए। जान तो लगभग आधी तो हमने बचा ली है और उसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और अन्य नियमों का पालन करते हुए हमें अब जान बचाने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रात को निर्णय लिया है वो सही निर्णय लिया है कि दुकानों को खोला जाए, जिससे लोग प्रभावित भी कम हो, अब परेशान भी होने लगे, काफी टाइम हो गया घर में रहते हुए को, तो उनको सामान भी मिल सके और देश को एक रेवेन्यू भी मिल सके, देश मुख्य धारा वापिस आए और देश के ज्यादा नुकसान आर्थिक दृष्टि से न हो, इसका हम प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और हम राज्य सरकार से भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बताए हुए नक्शे कदम पर चलकर और दुकानों को खोलने का आदेश पारित करें। हम व्यापारी लोग सरकार को और उसको आप देश को आश्वासन देते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कम से कम अपने स्टाफ के साथ कार्य करना चाहेंगे और देश के विकास के अंदर भागीदार बनना चाहेंगे। देखिए, आप व्यापारी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। आज के दौरान भी ये स्थिति देखने में आ रही है, संपूर्ण लॉकडाउन है, महा कर्फ्यू, उसमें भी लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो दुकानें खोलने के बाद में कैसे आप लोग समझा पाएंगे और कैसे मैनेज कर पाएंगे? जैसे सर, ये जो अभी जो लॉकडाउन हुआ था, पहले प्रधानमंत्री जी ने जो कर्फ्यू लगाया था उससे पहले भी बिक्री का जो ग्रोथ थी वो 20% रह गई थी, तो आज हम दुकानें खोलेंगे तो इसका मतलब ये मत मानो हमारे 100% बिक्री शुरू हो जाएगी। हमारी बिक्री शुरू से हमारे को 10% से शुरू करनी पड़ेगी, तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी कि जनता आज दुकानें खोलते हमारी भीड़ उमड़ पड़ेगी, वो नहीं उमड़ेगी। हमारी बिक्री 10% से हमारे को शुरू करनी पड़ेगी, तो हमारे को ग्राहकों को समझाना पड़ेगा और देश भी समझ चुका है, विश्व भी समझ। बताइए, जिस तरीके से आपने व्यापारी की प्रतिक्रिया ली है, ये बताइए वहाँ आसपास जो सामान खरीदने आए हैं, जो जनता है, उनकी क्या राय है? क्या वो इस लॉकडाउन से सहमत है पूरी तरीके से? क्या कह रहे हैं उनकी भी जरा दर्शकों को राय दिखा दें। जी 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 जी, देखिए आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्योंकि सामान खरीदने आए हैं, जगह जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, सामान लॉकडाउन के लिए क्या कहेंगे? अभी फिलहाल लॉकडाउन है, उसकी क्या स्थिति? अभी जो स्थिति चल रही है कि कर्फ्यू क्षेत्र जो भी है वहाँ पे हम लोगों को सामान लाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो हम लोग घर से एक एक करके निकलते हैं लेकिन प्रशासन हमें निकलने नहीं देती है, जबकि हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति है ही नहीं, तो दुकानों के पास जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम हमारे सामान लाने के लिए घर से निकलेंगे। देखिए, आप बताएं, आप भी चूंकि आप बाहर से हैं, रहवासी हैं, बीकानेर आए हैं, आपको किस तरह की लॉकडाउन में, आप चूंकि सेवा भी कर रहे हैं, लॉकडाउन में काम भी कर रहे हैं, किस तरह से आपको परेशानियां होती है? सर, लॉकडाउन में दिक्कतें काफी आ रही है सामान लाने ले जाने में, और जो क्या नाम है, अभी जो फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि भी व्यापार खुलने चाहिए, तो ये अच्छी बात है क्योंकि व्यापार ही देश की रेवेन्यू है, और अगर व्यापार बंद रहते हैं तो समझिए कि ठीक है, हम तो जान तो बचा लेंगे लेकिन जान को कैसे बचाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, हमारी जनता ने भी सुना कि किस तरीके से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो व्यापारी है वो अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो खरीदार है वो भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।